ठीक है, शुरू करते हैं हमारे आगे की यूनिट टॉर्जन। अच्छा, टॉर्जन के बारे में मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। अभी तक आपने टॉर्जन का जो भी पढ़ा, उसका रिलेशनशिप पढ़ा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल पढ़ा, और उसका पोलर सेक्शन मॉडुलस पढ़ा, पूरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, ठीक है, तो वो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट थे। टॉर्जन के चैप्टर में मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि टॉर्जन का जो आपका चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली टॉर्जन के चैप्टर को आप एसएससी जेई कन्वेंशनल के लिए जरूर जरूर पढ़ोगे। टॉर्जन को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो फॉर एसएससी जेई कन्वेंशनल। इसका क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इजीली आ जाएगा, और वो भी टॉर्जन से, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 60 मार्क्स की आई, 30 मार्क्स की आई, तो वो 100% टॉर्जन कवर करेगा, बट हाँ, कहीं ना कहीं टॉर्जन 20 मार्क्स का आपका आ सकता है। टॉर्जन के केस में स्पेशली देखना, न्यूमेरिकल्स पर आपको स्पेशली ध्यान रखना है, कॉन्सेप्चुअल इसमें ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने बोर्ड पे चीज लिखी हुई है, अ सॉलिड शाफ्ट ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। सबसे पहली बात क्या है, एक सॉलिड शाफ्ट है और उसने बोल दिया कि भाई सर्कुलर है, ठीक है, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क टी। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, हम चलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ही बना लेते हैं इसका। ये रहा इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क टी। इसने बोल दिया कि भाई इस शाफ्ट पर आपने टॉर्क लगा दिया। मैंने बोला ठीक है लगा दो। Which produces a maximum shear stress tau? इसने बोल दिया जो shear stress produce हो रहा है वो कितना है आपका tau। जैसा कि last time मैंने आपको relationship में सब कुछ बताया था, T क्या है, tau क्या है, maximum torque क्या है, maximum shear stress क्या है, ठीक है, maximum shear stress लगा दिया in the shaft। इसने बोला what is the diameter of shaft? कि भाई diameter of shaft कितनी होगी? ये जो shaft है इसकी diameter इसने आपसे पूछी है। सबसे ध्यान रखना, this question is very very important for ऑब्जेक्टिव। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको मिल सकता है, बहुत बार आ चुका है और बहुत बार आएगा भी सही, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अब हम चालू करते हैं इसको आगे। इसमें मतलब आपकी डायमीटर क्या है, तो जैसे कि आप जानते हो कि हमारे पास जो टॉर्जन का टॉर्जन इक्वेशन क्या है, हमारे पास टी बाय जे इज इक्वल टू एन थीटा बाय एल इज इक्वल टू टो बाय आर। टी क्या है, मैक्सिमम टॉर्क। जे क्या है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको पोलर सेक्शन मॉडुलस पढ़ाया था, तो ये है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जे इज रिप्रेजेंटेड बाय पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड जेपी इज इक्वल टू पोलर सेक्शन मॉडुलस। तो इस जे और जेपी में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एन क्या आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा क्या आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट, एल है लेंथ ऑफ शाफ्ट, टो है शियर स्ट्रेस, आर है रेडियस ऑफ शाफ्ट। तो इसने आपसे दो चीजें दे दी, भाई टॉर्क कितना है, टॉर्क टी है, शियर स्ट्रेस टू है, तो आप इसकी डायमीटर फाइंड करो। तो इन तीनों में से ध्यान में देखो कि ये जो दो है आपके, इसमें रेडियस ऑफ शाफ्ट आ रही है, तो रेडियस ऑफ शाफ्ट आ गई, डायमीटर के जस्ट डबल कर दूंगा। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट देके रखा है? बोलोगे नहीं देके रखा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देके रखा है? आप बोलोगे सर नहीं देके रखा। तो मैं बोलता हूं कि अगर ये देके नहीं रखा तो इसका मेरे इस न्यूमेरिकल में कुछ भी रोल में इसमें से नहीं आएगा। तो दैट मींस हमारे पास जो फाइनल टर्म बची हुई बची टी बाय जी इज इक्वल टू टॉ बाय आर। ये टॉ मैक्सिमम होता है, ये टॉ भी मैक्सिमम होता है। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर टॉर्क मैक्सिमम होगा तो शियर स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगा आपका, ठीक है। तो हम फाइंड कर लेते हैं, जैसा कि आप जानते हो, तो मेरे पास ध्यान से देखना सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। टी मैक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, अभी सर्कुलर सेक्शन का अगर मान लो इसकी डायमीटर डी है, सर्कुलर सेक्शन का ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जे आपका होता है पाई डी 4 अपॉन 32। हाँ, एक चीज मुझे और याद है कि इसमें ध्यान रखना हमेशा 32 आता है, ठीक है। आगे चालू करते हैं, तो टी मैक्स इज इक्वल्स टू आपका, मैंने जे की वैल्यू पुट कर दिया पर पाई डी 4 अपॉन 32 इज इक्वल्स टू टॉम एक्स देख रखा हुआ है, और रेडियस हम क्या लिख सकते हैं, डी बाय 2, ठीक है। तो ध्यान से देखो, फाइनली मुझे फाइंड करना है मुझको डायमीटर, तो मैं क्या करता हूं, इस वाली वैल्यू को ऊपर लेके जा रहा हूं। दैट मींस ये आपके आ रही है टी मैक्स, इस टो को मैं नीचे लेके आ रहा हूं, पाई टो इज इक्वल्स टू पाई डी 4 अपॉन 32 अपॉन में डी बाय 2, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये कितने से कट गया, ये कट गया आपका 16 से, और ये कट गया आपका क्यू। दैट मींस फाइनली जो आपके पास आ रहा है, इसको मैं मिटा देता हूं,
फाइनली जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास आ रहा है टी दैट मीन मैक्सिमम टॉर्क अपॉन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू, ये पाई डी फोर था नीचे वाले डी बाय टू से कट गया था, तो पाई डी क्यूब अपॉन पाई डी क्यूब अपॉन कितना रहा है आपका, अपॉन आ रहा है आपका 16। फाइनली मुझे क्या फाइंड करना है, फाइनली आपको फाइंड करना है डायमीटर, तो दैट मींस इस 16 को यहां लेके आ रहा हूं, 16t इस पाई को यहां लेके आ रहा हूं अपॉन पाई टॉप इज इक्वल्स टू d क्यूब, सो यहां से आपकी d आ रही है 16t अपॉन पाई टॉप रेस्ट टू द पावर 1/3, ये है आपका डायमीटर ऑफ शाफ्ट, इसको लिख लो। ठीक है तो चालू करते हैं आगे। अच्छा एक चीज स्पेशली आप ध्यान रखना, सुबह मिटा देता हूं, एक चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन मिटा देते हैं आपको। हाँ एक चीज और, ये एक स्टैंडर्ड केस है, ये आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट मिलता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, उसको ध्यान रखना। अब मैं आपको चीज बता देता हूं थोड़ा सा, अगर मैं आपसे चीज पूछूं कि जब मैं आपको SFD और BMD पढ़ा रहा था तो उसमें E क्या होता था, कैपिटल E क्या होता था, आप बोलोगे सर कैपिटल E होता था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है। वहां पर I क्या होता था, आप बोलोगे सर वहां पर I होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है। फिर मैं आपसे बोलूंगा कि आप मुझे ये बताओ कि E और I के मल्टीप्लीकेशन को, दैट मींस मैंने आपसे बोला SFD BMD, दैट मींस इन केस ऑफ बेंडिंग बीम्स के केस में क्या होता है बेंडिंग, और शाफ्ट के केस में क्या होता है आपका ट्विस्टिंग, शाफ्ट के केस में क्या होता है आपका ट्विस्टिंग, जो कि लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। तो मैंने आपसे क्या बोला, बेंडिंग केस में जो SFD BMD थी या डिफ्लेक्शन था उसमें E और I यूज में आता था, E और I यूज में आता था, E है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, क्या बोलते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन को फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो आपसे फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा, हमें याद रखना है। ठीक है अब अगर इन केस में आपसे पूछूं कि टॉर्शन के केस में तो ट्विस्टिंग होती है, आप बोलोगे सर बिल्कुल ट्विस्टिंग होती है, लास्ट लेक्चर में हमने स्पेशली डिस्कस करा कि ट्विस्टिंग और बेंडिंग में डिफरेंसेस क्या है, तो इधर देखो ध्यान से, इसी फॉर्मूले से मैं ट्विस्टिंग क्या बनाऊंगा, फ्लेक्सर का मतलब होता है बेंडिंग, फ्लेक्सर का मतलब क्या होता है बेंडिंग, टॉर्शन में क्या होता है देखो फ्लेक्सर का मतलब है बेंडिंग या बेंडिंग का मतलब फ्लेक्सर, और वहीं पर टॉर्शन ट्विस्टिंग कौन से केस में होती है टॉर्शन के केस में, तो दैट मींस अब मैं आपसे पूछूंगा टॉर्शनल, यहां पर थी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं टॉर्शनल रिजिडिटी, टॉर्शनल रिजिडिटी कुछ भी नहीं है, इधर कौन सा इलास्टिक कांस्टेंट काम में आ रहा है, आप बोलोगे सर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मैं आपसे पूछूंगा कि अगर इसमें यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज में आ रहा है तो हमारे टॉर्शन के केस में कौन सा इलास्टिक कांस्टेंट रोल में आता है, तो आप बोलोगे सर शियर मॉडुलस आता है या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो ये लो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बिल्कुल सही बात है। वहीं पर मैंने आपसे बोलूंगा कि बीम के केस में ये आई एक्सेक्स होता है, क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया, बहुत बार बता दिया, क्या टॉर्शनल टॉर्शन में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल में आता है, आप बोलोगे सर बिल्कुल आता है, आप बोलोगे सर टॉर्शन में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल में आता है, बट टॉर्श इन केस ऑफ बेंडिंग आपका ये एक्सिस हमेशा आई एक्सेक्स एक्सिस होती है, वहीं पर टॉर्शन के केस में पोलर एक्सिस होती है, कौन सी एक्सिस होती है पोलर एक्सिस, और पोलर एक्सिस पर जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको हम बोलते हैं पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आप समझ रहे हो ना, बीपी केस में तो हमेशा आई एक्सिस होता है, पोलर के केस में आई एक्सिस से आई वाई वाई हो सकता है, बट टॉर्शन के केस में आप हमेशा जो मूवमेंट लगाते हो जो हमेशा जो टॉर्क लगाते हो वो पोलर एक्सिस पर लगता है, पोलर एक्सिस का मतलब है जेड एक्सिस, और अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आई जेड जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, तो ये वही है आई जेड जेड आपका। ठीक है फिर मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, किसी भी चीज की स्टिफनेस क्या होती है, क्या होती है स्टिफनेस, स्टिफनेस का मतलब सिंपल सी बात है, स्टिफनेस का मतलब है कि भाई बॉडी का वो रेजिस्टेंस जो बॉडी को इजिली बेंड होने नहीं देगी,
जो जितनी ज्यादा स्टिफ होगा, जो जितना ज्यादा स्टिफ होगा उसको बैंड करने में उतनी ही ज्यादा दिक्कत आएगी। सिंपल सी बात है, अगर मैं अपनी बिल्डिंग डिजाइन करूंगा तो मैं अपनी बीम्स को स्टिफ डिजाइन करूंगा कि यार इजिली बैंड ना हो जाए। कहने का मतलब ये पेन है और इस पेन की जगह मैं ककड़ी ले लूं, ठीक है, तो इस पेन में से और ककड़ी में से कौन जल्दी से डिफॉर्म हो जाएगा? तो आप बोलोगे ककड़ी जो होती है वो जल्दी से डिफॉर्म हो जाएगी, तो मैं बोलूंगा दैट मींस वो कम स्टिफ है, वो कम स्टिफ है। और ककड़ी के कंपैरिजन में ये पेन आपका इजिली डिफॉर्म या बैंड या डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे कि इन कंपैरिजन टू ककड़ी दिस मार्कर इज मोर स्टिफ। तो जो जितना ज्यादा स्टिफ होगा, दैट मींस स्टिफनेस का मतलब ये होता है कि वो अपनी शेप को चेंज होने नहीं देता है। सिंपल सी बात है। तो स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या होता है? ये रहा E यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, E I बाय लेंथ ऑफ शाफ्ट, ठीक है, सॉरी लेंथ ऑफ बीम, लेंथ ऑफ बीम। वहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये तो ना फ्लेक्चुरल स्टिफनेस है, अगर मेरे को आपसे टॉर्जनल स्टिफनेस पूछनी हो, टॉर्जनल स्टिफनेस पूछनी हो, तो आप मुझे ये बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? बोलेगा सर सेम चिपकाऊंगा मैं तो। टॉर्जन के केस में कौन सा यंग मॉडुलस, कौन सा इलास्टिक कांस्टेंट यूज होता है? सर आप बोलोगे सर शियर मॉडुलस यूज होता है। क्यों यूज होता है मैंने आपको बता दिया पिछले टॉपिक में। आई कौन सा यूज होता है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल सही बात है। और नीचे लेंथ, यहां पर लेंथ ऑफ बीम थी, यहां पर आ गया लेंथ ऑफ टॉर्जन। तो ये रहा आपका टॉर्जनल स्टिफनेस। वहीं पर देखो जो जितना ज्यादा स्टिफ होगा उसमें डिफॉर्मेशन उतनी ही मुश्किल से आएंगे। स्टिफनेस का रिवर्स होता है फ्लेक्सिबिलिटी। स्टिफनेस इज इक्वल टू 1/ फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है कि जो जितना कम फ्लेक्सिबल होगा। पहली बात तो ये सारे पता है, बोर्ड पे मैं आपके 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये वो चीजें जो आपको ध्यान रखनी होती है। ये 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, इस 6 में से कुछ भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था स्टिफनेस का, और मैंने आपको बताया कि स्टिफनेस, और देखो सिंपल सी बात है, स्टिफनेस वो प्रॉपर्टी होती है जो बॉडी को डिफॉर्म होने नहीं देगी या बैंड होने नहीं देगी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी वो प्रॉपर्टी जो इजीली बैंड होने देगी। अगर मैं आपसे पूछूं ककड़ी और इस मार्कर में से कौन ज्यादा फ्लेक्सिबल है, आप बोलोगे सर ककड़ी है, तो दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे फ्लेक्सिबिलिटी पूछूंगा कि फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब मैं बीम के लिए लिख रहा हूं, फॉर बीम, ठीक है, क्योंकि बीम में बेंडिंग होती है आपकी, और स्पेशली मैंने आई एक्स एक्स ले लिया तो बीम की ही बात कर रहा हूं। आई एक्स एक्स और आई वाई वाई होता तो मैं कॉलम की बात कर लेता, क्योंकि उसमें से हम कॉलम के केस में हमेशा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज में लेते हैं, क्यों लेते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, और जिसको नहीं पता वो कॉलम वाली यूनिट को वापस देखो, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है 1/ स्टिफनेस। फ्लेक्सिबिलिटी क्या 1/ स्टिफनेस, तो स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या था? EI/L, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम जाएगी L/EI। वहीं पर अगर मैं आपसे बोलूं कि टॉर्जनल फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, टॉर्जनल फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, अब बोलोगे सर कुछ भी नहीं है, जो भी स्टिफनेस का फॉर्मूला उसको उल्टा कर दो, दैट मींस L/IP/G। तो ये रहे आपके सामने, ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, दिस रिलेशनशिप ऑल्सो, इसको मैंने कहा 5-star। स्टिफनेस इज इक्वल टू 1/ फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी का ये वाला फॉर्मूला, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट लिख करो, इसको भी इंपॉर्टेंट करो, ये 6-7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मैंने, थोड़ा मैंने शॉर्ट कर दिया उस क्वेश्चन को। दो शाफ्ट है, सही बात है, एक है सॉलिड शाफ्ट, एक है होलो शाफ्ट, बढ़िया बात है। इस सॉलिड शाफ्ट की लेंथ कितनी है? LS। इस सॉलिड शाफ्ट की लेंथ कितनी है? LS। और इस होलो शाफ्ट की लेंथ कितनी है? LH। ठीक है, जो सॉलिड शाफ्ट है उसकी तो भाई, सॉलिड शाफ्ट की तो एक ही डायमीटर होती है d, बट जो होलो शाफ्ट होती है उसकी दो डायमीटर होती है, एक होती है आउटर डायमीटर। तो इसकी आउटर देखो, इसकी डायमीटर देखो, सॉलिड शाफ्ट की जो डायमीटर है और होलो की जो आउटर डायमीटर है वो दोनों बराबर है, कितनी? कैपिटल डी। बट होलो शाफ्ट की जो इनर डायमीटर है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से। इसने लिख दिया कि दोनों शाफ्ट सेम मटेरियल की है। अगर दोनों शाफ्ट सेम मटेरियल की है तो दैट मीन्स इनका शियर मॉडुलस कॉन्स्टेंट हो गया। समझो मेरी बात, अगर दोनों शाफ्ट सेम मटेरियल की है तो इन दोनों का शियर मॉडुलस दोनों इक्वल, दोनों सेम है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ टॉर्शनल स्टिफनेस ऑफ होलो
टू सॉलिड, इसने आपसे ये बोला है कि टॉर्शनल स्टिफनेस आपको फाइंड करनी है, टॉर्शनल स्टिफनेस आपको फाइंड करनी है किसकी, होलो की, विद रेस्पेक्ट टू टॉर्शनल स्टिफनेस ऑफ सॉलिड शाफ्ट। आपको क्या करना है, होलो का टॉर्शनल स्टिफनेस फाइंड करना है, सॉलिड का टॉर्शनल स्टिफनेस फाइंड करना है, और इन दोनों को आपको चाहिए रेशियो, टॉर्शनल स्टिफनेस ऑफ सॉलिड। अब देखो क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बट कहने का मतलब ये है कि अगर इन केस आपको ये ही पता नहीं होगा कि टॉर्शनल स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आप फिर कर ही नहीं पाओगे। मैं तो कह रहा हूं बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ओनली डिपेंड करता है कि आपको बस ये पता रहना चाहिए कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होती है, या टॉर्शनल रिजिडिटी क्या होती है, या फ्लेक्सुरल स्टिफनेस क्या होती है, या टॉर्शनल स्टिफनेस क्या होती है। तो अभी इसने आपसे टॉर्शनल स्टिफनेस पूछा है, जैसा कि इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था, टॉर्शनल स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है आपका, टॉर्शनल स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है आपका इज इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाई बाय पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन लेंथ ऑफ शाफ्ट, अपॉन लेंथ ऑफ शाफ्ट। तो एक काम करते हैं, हमको टॉर्शनल स्टिफनेस ऑफ होलो फाइंड करके टॉर्शनल स्टिफनेस ऑफ सॉलिड फाइंड करता हूं, दोनों का रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम होलो को फाइंड कर लेते हैं, सो दैट मींस टॉर्शनल स्टिफनेस फॉर होलो आपके पास क्या आ जाएगी, ये ठीक है, इज इक्वल्स टू जी आई पी बाय एल। चलो होलो के लिए रख देते हैं, होलो के लिए अब इसने एक चीज बोल दी, ये सॉरी यहां पर ये एन से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ठीक है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर भी ओहो आपको तो कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको सॉरी सॉरी कंफ्यूजन हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अच्छा हुआ यार मेरे को याद आ गया कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस को हम किस किस से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, या एन से रिप्रेजेंट करते हैं, या जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, हमने टॉर्शन के केस में शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को एन से रिप्रेजेंट करा हुआ है, किससे रिप्रेजेंट करा हुआ है, एन से। तो मैं यहां पर आप पिछली बार पिछली केस में जो मैंने जी लिया था वो शियर मॉडुलस ही था, क्या था वो आपका, शियर मॉडुलस ही था। बट आप बोलोगे सर आपने पहले एन लॉक कर दिया था, तो मैं इसको एन ही लिख देता हूं यहां पर, ताकि कंफ्यूज ना हो, मैं भूल जाता इस चीज को, ठीक है, एन अपन आई पी बाय एल। तो जहां जहां पर जी लिखा हुआ है तो जी की जगह एन लिख लो, क्योंकि जी मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया हुआ है कि शियर मॉडुलस को सी या एन या जी से रिप्रेजेंट हम करते हैं, ठीक है। तो एन ठीक है इज इक्वल्स टू एन, ये एन तो दोनों मटेरियल कॉमन है, तो एन को आप एन ही पुट कर दो। अब पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होलो सर्कुलर शाफ्ट क्या होता है, अब क्या वो बोला मैंने, होलो सर्कुलर शाफ्ट दैट मींस पाई बाय 32, ठीक है, दैट इट मीन डी कैपिटल आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर, ये होता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होलो शाफ्ट। अच्छा शायद हमको मेरे भी ध्यान आ रहा है कि पिछले वाले केस में है ना, जब हम होलो सेक्शन का केस लिख रहे थे, यहां पर 64 लिखा हुआ है, तो जहां पर 64 लिखा हुआ है ना, दैट मींस मैंने पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को शायद यहां 64 लिख दिया था, तो 64 काट के 32 लिख देना उसको, ठीक है, अपॉन लेंथ, लेंथ कितनी देख रखी है इसकी, इसकी लेंथ देख रखी है होलो की एल एच अपॉन एल एच, ठीक है। अब टॉर्शनल स्टिफनेस फॉर सॉलिड, टॉर्शनल स्टिफनेस फॉर सॉलिड, टॉर्शनल स्टिफनेस फॉर सॉलिड है आपका, ठीक है, टॉर्शनल स्टिफनेस फॉर सॉलिड है आपका वही सेम एन अपॉन आई पी अपॉन एल, एन तो कॉन्स्टेंट है, और लेंथ इसकी लेंथ ऑफ होलो लिख देते हैं, और लेंथ ऑफ सॉलिड, तो एन तो दोनों के लिए कॉन्स्टेंट था क्योंकि सेम मटीरियल है आपका, जब भी दो मेंबर का सेम मटीरियल हो तो दैट मींस उसका शेयर मॉडुलस या चारों इलास्टिक कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट होते हैं, मतलब सेम होते हैं। तो एन तो मैं सेम पुट कर दूंगा एन। अब सॉलिड शाफ्ट का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, पाई, सॉलिड की आउटर डायमीटर कितनी है, डी, पाई डी 4 अपॉन 32, यहां पे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख दिया इसका, एंड ये आपका लेंथ ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब इसने आपसे पूछा था, फाइनली इसने आपसे ये पूछा है कि रेशियो टॉर्शन स्टिफनेस, इन दोनों का रेशियो पूछा है इसने आपसे, तो डिवाइड कर देते हैं,
इन दोनों का इसने आपसे अगर रेशियो ही पूछा है तो काम करता हूं मैं इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देता हूं, दैट मींस टॉर्शनल स्टिफनेस होलो क्या वैल्यू आई थी एन पाई अपॉन 32 एल एच डी के पावर 4 माइनस स्मॉल डी के पावर 4 ये होलो का था, कुछ भूल कर नहीं रहा मैं, नहीं भूल रहा, अपॉन में एन इंटू पाई डी की पावर 4 अपॉन 32 अपॉन एल एस। ठीक है तो एक काम करते हैं, क्या क्या कट रहा है, ऊपर वाले एन से नीचे वाला एन कट गया, पाई अपॉन 32 से पाई अपॉन 32 कट गया, और ये एल एस आ जाएगा ऊपर, एल एच आ जाएगा नीचे, दैट मीन्स एल एस अपॉन एल एच, मेरा एल बहुत बिगाड़ लिखता हूं मैं, एल एस अपॉन एल एच। ठीक है सब तो कट गया था, और आपका ये आ जाएगा d की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 4 अपॉन में d की पावर 4, और या फिर ये आपको इस तरीके से लिख सकता है, अपॉन में देखो d की पावर 4 है तो ये आपको इस तरीके से भी रिजल्ट लिख सकता है, एल एस अपॉन एल एच, कंफ्यूज मत होना, d की पावर 4 इस जो कैपिटल d की पावर 4 है इसे मैं डिवाइड करूं दोनों को तो ये यहां पर आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा ब्रैकेट में स्मॉल d अपॉन कैपिटल d की पावर 4। इस तरीके से आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो क्योंकि मैंने कैपिटल d और 4 को डिवाइड कर दिया। ठीक है इसको लिखो, फिर चालू करता हूं मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख दिया मैंने, क्वेश्चन से पहले आपको चीज बोल देता हूं, अभी तक जो दो क्वेश्चन हमने करे हैं वो है ऑब्जेक्टिव और ये क्वेश्चन है हमारा कन्वेंशनल या फॉर सब्जेक्टिव। तो जिस क्वेश्चन में मैंने आपको बोल दिया कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो आप बोलोगे हाँ सर आप बोलते हो हमेशा ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, उस अगर मैं कोई कुछ ये बोलता हूँ कि कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है या कोई कौन सा सब्जेक्टिव है तो बताओ वो मैं आपको ऑब्जेक्टिव किस समय में बोलता हूँ, वो आपको मैं ऑब्जेक्टिव इस समय बोलता हूँ कि अगर मैंने उसको बोल दिया कि वो ऑब्जेक्टिव है तो दैट मीन्स वो आपको याद होना चाहिए। पिछले दो न्यूमेरिकल्स थे बोलोगे हाँ थे, मैंने सॉल्व करवा दिए आप बोलोगे हाँ सर सॉल्व करवा दिए, बट फिर भी मैं क्या बोलूंगा अगर वो ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो उसका डायरेक्ट आंसर आपको याद होना चाहिए। आप समझो मेरी बात, क्योंकि अभी हमें 10-15 मिनट लग गए उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, बट ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ गया तो आप दो क्वेश्चन के लिए 15 मिनट वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो दैट मींस जब मैंने बोल दिया इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव तो हाँ आप मैं आपको हमेशा सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट आपका फर्ज है कि आप उसका आंसर डायरेक्ट याद रखोगे क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसको सॉल्व कर लोगे। और वहां पर जब मैंने आपको बोल दिया फॉर सब्जेक्टिव या फॉर कन्वेंशनल तो उसका सॉल्यूशन तो आपको पता होना ही चाहिए कि किस तरीके से वो आपका सॉल्व होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं देता हूं ये है इंपॉर्टेंट फॉर SSC जी कन्वेंशनल या फिर कन्वेंशनल के लिए इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है आपका अगर ऐसे से इजी क्वेश्चन IAS में भी छोटे छोटे मार्क्स से आ जाते हैं, ठीक है गेट में भी आ सकता है आपका वाला क्वेश्चन, ज्यादा मतलब अच्छा क्वेश्चन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं, पहले इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, इसने बोला है एक स्टील सैंपल है